1 फरवरी को मोदी सरकार देश का आम बजट पेश करेगी। हालांकि इस वक्त मोदी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक के बाद एक चुनाव भी पार्टी जीत रही है, पर इन सब के बीच गुजरात चुनाव ने एक संकेत दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसानों में सरकार को लेकर कुछ नाराजगी है, भाजपा को ये बात महसूस होने लगी है। यही कारण है कि आगामी बजट को किसान बजट बनाने के लिए केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आने वाले बजट में किसानों के लिए क्या तैयारियां हैं, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसानों को खुश करने का बना बड़ा प्लान। बजट में खास तोहफा देगी मोदी सरकार। देश के किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये तस्वीर चंद रोज पहले की है। लखनऊ में राजभवन के बाहर अहले सुबह किसानों का भरोसा कुछ यूं बिखरा पड़ा था। दाम नहीं मिलने से परेशान किसान बोरी भरकर आलू फेंक गए। हालांकि बाद में इसमें सियासी एंगल भी जुड़ा, लेकिन किसानों की कमोबेश यही कड़वी सच्चाई है। कहीं सड़कों पर आलू फेंक जाते हैं किसान, तो कहीं प्याज टमाटर, तो कहीं किसी शहर में दूसरी हरी सब्जियां। अलग अलग सूबे, अलग अलग शहर, लेकिन किसानों का दर्द कमोबेश एक जैसा है। अंदर ही अंदर घुट रहे किसानों की सिसकियां गुजरात में वोट में तब्दील हो गई, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। गुजरात के ग्रामीण इलाकों की 99 सीटों में से सिर्फ 40 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाई, जबकि 83 शहरी सीटों में से 59 बीजेपी के हिस्से में आ गई। गुजरात ही नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में पूरे देश में कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। लिहाजा गुजरात से सबक लेकर मोदी सरकार ने किसानों की झोली भरने की तैयारी कर ली है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। हमारे पास जानकारी है कि इस बजट को किसान बजट बनाने की तैयारी चल रही है। दरअसल गुजरात चुनावों ने मोदी सरकार को यह सबक दे दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और खास तौर पर किसान उनसे नाराज है। ऐसे में किसानों के अच्छे दिन कैसे आए, इसको लेकर मोदी सरकार चिंतित है और यही कारण है कि इस बजट को किसान बजट बनाने की तैयारी है। किसानों से जुड़े कुछ बड़े फैसले इस बजट में लिए जाने वाले हैं। जी हिंदुस्तान को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ऐसा बजट तैयार कर रही है जिससे उन्हें अपनी फसल को सड़कों पर ना फेंकना पड़े। मसलन मोदी सरकार इस बजट में किसानों के लिए मंडी आश्वासन योजना लाने की तैयारी में है। दूसरा ये कि जितनी भी मंडियां हैं उसे कोल्ड स्टोरेज से जोड़ा जाए। अब जानिए कि मंडी आश्वासन योजना में ऐसा क्या खास होगा जो किसानों के चेहरे पर चमक ला देगा। दरअसल फसल की उचित कीमत न मिलना किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या का समाधान इस योजना से मिलेगा। गेहूं, गन्ना और धान की तरह आलू, प्याज, टमाटर और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। किसान जब चाहें तब इसी समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकेंगे। बाजार भाव गिरने के बावजूद राज्य सरकारें तय समर्थन मूल्य पर ही फसल खरीद कर पाएगी। राज्य सरकारों को जो घाटा होगा उसका बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देगी। हालांकि सरकार के पास खरीदी गई फसल रखने की व्यवस्था नहीं है। इस समस्या को खत्म करने के लिए मंडियों को कोल्ड स्टोरेज से जोड़ने का प्लान है। कुल मिलाकर किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक मारने की तैयारी में है। आसित कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।